भविष्य पुराण क्या है? हमारे राधाचरण जी उत्तर देंगे, भविष्य पुराण क्या है? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसा कि नाम से ही यह परिभाषित है, भविष्य पुराण यानी जिसमें भविष्य की बातें बताई गई। तो भविष्य पुराण में हमारे 18 पुराण है जी, 18 पुराणों में एक है भविष्य, भविष्य पुराण। तो इसमें भविष्य की भविष्यवाणी की गई है। यद्यपि यह ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है 5000 वर्ष पहले, तो लेकिन उसमें आगे कौन कौन आचार्य होंगे, जैसे निम्बार्काचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए और बल्भाचार्य आदि जो महाप्रभु हुए, सब संत लोग हुए, तो इन सब की चर्चा उसमें की गई है। उस समय ये हुए नहीं थे, जबकि हुए नहीं थे। यहाँ तो उसमें ईसा मसीह का भी जिक्र है, मोहम्मद का भी जिक्र है, और ये जो अभी विदेश वो थे, विदेशी शिक्षा मंत्र जो थे, शिक्षा शास्त्र मिकाले, तो मिकाले का भी उसमें चर्चा है। चर्चा जी कि भविष्य में ऐसे ऐसे होंगे, अच्छे कर्म करने वाले भी और अनर्थकारी भी लोग होंगे, वो भी सब चर्चा, नाम तक उनके लिखे हुए। बिल्कुल। तो इसमें सारे और ये कबीर दास जी, तुलसीदास जी और राम कामा का आदि जो भक्तमाल में हम चरित्र देखते हैं, उनका भी उसमें उल्लेख है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये समान ये क्या कहते हैं, पुराण पुरुष है ये कबीरदास जी, ये सब पुराण पुरुष है, यानी ये सब हर बार होते हैं कबीरदास जी। ये पुराण पुरुष है जी। तो पुराण पुरुष का अर्थ क्या हुआ? पुराण पुरुष उनके बोलते हैं जो हर बार आते हैं, हर कल में, जब जब कलयुग आएगा तब तक वो आएंगे ही। भविष्य पुराण में जिनकी चर्चा, वो हर कलयुग में आएंगे। कलयुग के 4500 वर्ष बीतने के बाद कबीरदास जी आएंगे ही आएंगे। ये पुराण पुरुष, ये पुराण पुरुष है। हमारे पुराणों में जिनकी भी चर्चा है जी जी, वो हर कल्प में, नई सृष्टि में वो आएंगे। और जिनकी चर्चा नहीं, उनकी कोई नहीं। अब प्रश्न है कि जैसे किसी भी महापुरुष का नाम आया है पुराण में, अब वो हर बार आएगा, लेकिन उसकी आत्मा तो भजन के द्वारा सदगति को प्राप्त हो चुकी है। जी जी। जैसे निम्बार्काचार्य जी जी, तो निम्बार्काचार्य तो भगवत धाम में चले गए जी, तो अगली बार आएंगे, तो जो मुक्त हो गए क्या उनका भी जन्म होगा? नहीं, उनका नहीं। ये पुराण पुरुष जो है, व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है। पद है बिला, ये जी, कौन है? जी, जैसे कि प्रधानमंत्री, जैसे इंद्र जी, ये देवता का नाम नहीं, नहीं। जो देवता है जी जी, उसका नाम तो पुरंदर है। पुरंदर है। पुरंदर नाम का राजा जो इंद्र बना, लेकिन इंद्र एक गद्दी का नाम है जी। ऐसी प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम नहीं, गद्दी का नाम, गद्दी का नाम। इसी प्रकार पुराण पुरुष, पुराणों में जिन महापुरुषों की चर्चा, वो महापुरुष जो है एक गद्दी का नाम है। तो हर बार वो आएंगे, लेकिन कभी कोई आत्मा उस रूप में आएगी, कभी कोई आत्मा उस रूप में। जैसे रावण की चर्चा है पुराणों में, तो रावण हर कल्प में आएगा जी जी। तो कभी जलंधर रावण बना, तो कभी जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, कभी प्रताप भानु रावण बना, कभी गण बने, कभी शंकर जी गण रावण बने। रावण होगा हर बार, लेकिन कभी कोई बनेगा, कभी कभी कोई बनेगा। इसी प्रकार ये कबीरदास आदि जो इसमें भविष्यवाणी की गई है, ये सब मोहम्मद साहब भी हर कलयुग में आएंगे, ईसा मसीह भी हर कलयुग में आएंगे, लेकिन है कि उस समय कोई और व्यक्ति बन जाएगा, उसका पद मिकाले का भी नाम, नायक और खलनायक हर प्रकार के लोग सदा से आए, सदा रहेंगे। तो भविष्य पुराण में भी आने वाले समय में कैसे कैसे नायक और खलनायक होंगे, सबकी चर्चा है। और इसमें यह भी चर्चा है, कलयुग के जब दूसरा चरण होगा तो उसमें ये शादी विवाह नहीं होगी उस समय, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में आने वाले कलयुग की चर्चा लिखी है। आपने पूछा ना कि भविष्य पुराण क्या है, तो ये भविष्य पुराण में भविष्य की कुछ बातें लिखी है, लेकिन वही बातें लिखी जो हर कल्प में होंगी। जैसे भविष्य पुराण में टीवी की बात नहीं लिखी है, पिक्चरों की बात नहीं लिखी है ना? क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हर बार नहीं होंगी, जरूरी नहीं। जो घटना होकर फिर दोबारा अगली कल्प में नहीं होगी, वो पुराणिक घटना नहीं होती। पुराणिक घटना उनको कहते हैं, या पुराणिक कथा उनको कहते हैं, जो हर बार सृष्टि में वो घटना घटेंगी, उसको बोलते हैं पुराणिक। तो कलयुग में वर्णन आया है कि जो ऐसा कलयुग आएगा कि शादी के लिए, रिश्ता ढूंढने के लिए हमको बाहर नहीं जाना है, घर में एडजस्टमेंट हो जाएगी भाई बहनों की, ये लिखा हुआ है आप समय। और यहाँ तक कि क्या पत्नी क्या बहन, दोनों में अंतर ही नहीं रहेगा, मतलब जानवरों में जैसा जिंदगी कलयुग के लोगों की हो जाएगी, ये भविष्य पुराण में लिखा है। जानवर बन जाएंगे लोग, जैसे जानवरों में क्या पत्नी क्या बहन क्या बेटी, कोई अर्थ नहीं होता जानवरों में।
ऐसी कलयुग में जानवरों जैसे लोग जिंदगी जीने लग जाएंगे आने वाला कलयुग। तो भविष्य पुराण में भविष्य की बातें हैं, उनमें कुछ घटना घट चुकी हैं, जैसे निमार्ग भगवान का नाम आया तो निमार्ग भगवान तो हो चुके हैं, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी का नाम आया, कबीरदास जी का नाम भविष्य पुराण में उस समय जिस समय ये जन्म ही नहीं लिए थे, उससे पहले पहले राजाओं के नाम आए कितने। तो भविष्य पुराण कर्त कि भविष्य में क्या क्या होना, लेकिन क्या क्या होगा केवल पुराणी के घटना। फिर मैं कहना चाहूँगा हर बात भविष्य के नहीं होगी, जैसे पिक्चरें आजकल बनती है, टीवी चल रहा है, ये भविष्य पुराण में नहीं आया नहीं, क्योंकि ये पुराणी की घटना नहीं है। जो हर बार होनी है, हर सृष्टि में प्रलय के बाद जब नई सृष्टि में जो घटना घटेगी कंपलसरी है, उन घटनाओं को पुराणी की घटना कहते हैं। पुराणों में केवल वही घटना होती है जो हर बार होती है, हर सृष्टि में होती है। कलयुग के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में कौन कौन से महापुरुष और खलनायक आएंगे उनका भी उसमें उल्लेख है। हाँ, और उसमें कई तो हो चुके हैं, कई तो हो चुके हैं। भविष्य पुराण में कई ऐसे खलनायकों के नाम भी हैं जो हो चुके हैं, और सचमुच में आज उनकी खलनायकी देखने को मिल रही है। अत्याचार, धर्म के नाम पर लोग अत्याचार कर रहे हैं, हमारे धर्म को स्वीकार करो नहीं तो मार देंगे तुमको, राक्षस बने हैं लोग, जो बातें राक्षस जैसी हो सब लिखा के ऐसे ऐसे धर्म भी चलेंगे, तलवार की नोक पर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हमको मानो हमारे मत को मानो नहीं तो मार देंगे। सब उनकी निशानियां सब लिखी हैं, कैसे कैसे वो नाम तक लिखे हैं। तो ये भविष्य पुराण है हमारे पास रखे, हमारे पास 18 के 18 पुराण है। हर बात मंच पे बताई नहीं जाती, बहुत कुछ लिखा हुआ भविष्य में क्या क्या होना है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था, आपने प्रश्न किया कि भविष्य पुराण क्या है, तो उत्तर आपको दिया है सूक्ष्म रूप से, बहुत कुछ है भविष्य पुराण में। तो भाई कैसा कैसा घोर कलयुग आएगा, कैसे कैसे खल इस दुनिया में आएंगे, लोगों को सताएंगे, ये सब भगवान की व्यवस्था है। खलनायक भी भगवान की व्यवस्था है, है ना, क्योंकि है ये पुराण पुरुष, ये आना ही आना है। जब नरक भगवान की व्यवस्था है, नरक में दुख और कैसे दंड दिया जाता है, तो जैसे नरक में भगवान ने यमदूत वहां कर रखे हैं, वो सब खलनायक तो हैं, कोदों में पीड़ते हैं, जीते जी आग में फेंक देते हैं आत्मा को नरक में। तो जैसे नरक में कितने दुष्ट लोग हैं, ऐसे भगवान इस दुनिया में भी दुष्टों को पैदा कर रखा है, जो दुख देते हैं, केवल दुख देते हैं बस। कारण क्या, क्योंकि हमको जो दुख भोगने हैं, हम लोगों ने जो पाप कर रखे हैं, तो दुख देने वाला भी तो दुनिया में भगवान को देना पड़ेगा। जैसे भगवान ने नरक की व्यवस्था कर रखी है, बड़ा नरक वहाँ है तो छोटा छोटा नरक यहाँ है। यहाँ जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, हम तो उसको भी भगवान का ही विधान मानते हैं। तो ये भविष्य पुराण में पूरी चर्चा है।